पूरी लोका वार्ड में पधारी हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री अनीस सहमत जी जो यहाँ पे आए हैं हमारे बीच में। यहाँ पे कुल्लू शहर के हमारे जो नगर पिता भी है और अध्यक्ष भी है और बड़े पुराने हमारे लीडर हैं गोपाल कृष्ण मान जी, जिन्हें हम प्यार से काका कहते हैं। उसके साथ में हमारे कांग्रेस के यहाँ पे महिला कांग्रेस की प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रेमलता ठाकुर जी और हमारे कांग्रेस के यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष हैं, जितने पार्षद है, पूर्व पार्षद है, आप सबका नाम जो है रानी साहब लेंगे। मैं सम्मानित मंच कहना चाहता हूँ क्योंकि हम कोई डेढ़ घंटा पीछे चल रहे हैं और इस वजह से यहाँ पे जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण यहाँ पे हैं, अभी हमें कुल्लू शहर में कम से कम किसी परिचय की मोहताज नहीं है हमारी प्रत्याशी। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बौखलाकर एक महिला को जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही है वो सच में महिलाओं के लिए, महिला के प्रति उनकी जो सोच है, उनकी जो संकीर्ण विचारधारा है, उन सब बातों को वो दर्शाती है। मैं दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मुझे लगता है कि कहीं मुख्यमंत्री और उनके मंत्री हो या उनके कुछ विधायक हैं, उनमें अहंकार आ गया है। आप 6 बार के रहे मुख्यमंत्री, 9 बार के रहे विधायक, अनेकों बार रहे सांसद। राजा वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी है। राजा वीरभद्र सिंह जी का एक पूरे भारतवर्ष में सबसे वरिष्ठ नेताओं में वो थी। आप उनकी अर्धांगिनी होते हुए आप अगर राजा वीरभद्र के नाम का वोट नहीं मांगेगी तो किस और का? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम का वोट मांगेंगे हम? राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे पूरे हिमाचल परिवार के मुखिया थे, वो हमारे हिमाचल के मसीहा थे, वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक संस्थान थे। और जिस प्रकार से उन्होंने इस हिमाचल को सींचा वो तभी हुआ जब आपने घर बैठकर उनको बल दिया। विक्रमादित्य जी जब आए हिमाचल में एक नई सोच, परिवार के अंदर एक युवाओं के एक पहचान, आपके परिवार की नहीं कांग्रेस परिवार के बीच में, युवाओं के बीच में एक हमने देखा उनमें ऊर्जा है, उनमें एक विजन है। ये सारी बातें संभव हुई जब घर के संस्कार अच्छे थे। और कुछ बिना संस्कार वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्हें ये नहीं पता कि अपने वरिष्ठ लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, जो मौका प्रस्ती की राजनीति करते हैं, आज के दिन में वो ना तो शांता कुमार जी को पूछ पाए, ना धूमल जी को पूछ पाए। और महेश्वर सिंह जी का जो उन्होंने हशर किया है, ये आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छे संकेत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है कि जैसे ही कोई बुजुर्ग हो जाएगा, जैसे ही कोई नारी जो है लाचार मजबूर होगी तो उनपे अटैक करेंगे क्या? वो हम चेतावनी देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, दम है तो हम कांग्रेसियों से लड़ो, इस परिवार से उंगली उठाने से पहले हमारे से आपको लड़ना होगा। हम आपके एक एक बातों का जवाब देने में सक्षम हैं। आप कहते हैं कि मंडी हमारी है तो हम आपको बता देंगे कि कुल्लू हमारा है, ये मंडी भी हमारी है। इस परिवार ने मंडी को सींचा है। कभी नहीं कहा वीरभद्र सिंह जी ने
कभी नहीं कहा प्रतिम सिंह जी ने, कभी नहीं कहा विक्रमादित्य जी ने कि हम हमारा क्षेत्र हम शिमला से है, हम रामपुर से है, पूरा हिमाचल को अपना माना, ना ऊपर का हिमाचल ना नीचे का हिमाचल। आज जो प्यार इन परिवारों को मिल रहा है वो अक्रॉस ऑल जो बॉर्डर्स, जो रीजन्स, कास्ट, सबसे ऊपर उठकर यहाँ पे वीरभद्र जी ने बातें कही है। और आज मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, देखिए ये नारे लगाने ठीक है, ये नारों से जोश बढ़ता है, ठीक है, मीटिंगें करने से कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है, कैंडिडेट का आना जरूरी था, एक दिन की मीटिंग थी, पर मेहरबानी करके हमारा कुल्लू विधानसभा क्षेत्र का संगठन, आप एक एक कर्मठ कार्यकर्ता आज आपके इख्तियार की घड़ी है। हमने जो हमारे ऊपर कर्ज है उस कर्ज का फर्ज निभाना है। मैं चाहूंगा जैसे हम कह रहे हैं कि रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजा साहब अमर रहे, राजा साहब हमारे बीच में ही है, एक एक को उनको अपना राजा साहब का बेटा मानकर, राजा साहब का अपना मानकर इस परिवार के लिए हम आपको लड़ाई लड़नी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी इन पे कई तरह के लांछन लगा रही है और कई तरह की बातें कर रही है, उसका जवाब देने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है, उनका अहंकार तोड़ने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, अगर आपके खून में जो है जोश है, अगर आपका मन आपका सच में कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही है, दोनों हाथ खड़ा करके आप इस परिवार के प्रति अपने संकल्प को दोहराएंगे। और आपसे मैं चाहूंगा जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह आगे बढ़ो, राजा साहब अमर रहे, हम सबको कसम लगे, हम सब संकल्प लेते हैं कि हम आज के बाद, आज शाम को ही अभी एक जनसभा हमारी शमशी में है, मैं चाहूंगा वहां पे भी जो आ सकते हैं वो अपना पहुंच सकते हैं, बड़ा स्वागत रहेगा। और लेकिन वहां पे एक कार्यक्रम हमारा लंबा है, अभी ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ, 27 तारीख को मांझी पेट्रोल महंगा हो गया है, आज तक हम रैली निकालते थे, डीजल महंगा हो गया, 27 तारीख को हम 11 नंबर की रैली निकालेंगे, 11 नंबर की पद यात्रा निकालेंगे, रामशिला से लेकर मांझी, सुबह खराब की एक अलग टीम निकलेगी उस तरफ पिरडी में, रामशिला से एक टीम निकलेगी पूरे शहर की मांझी, जिसकी अगुवाई आप करेंगे, रामशिला की जो है उसमें हमारे सुरेंद्र जी और उत्तम शर्मा जी कराइए, सारे खराब के नेता उसकी अगुवाई करेंगे, शहर की अगुवाई आप करेंगे, और शहर के सारे हमारे जो है सूची प्रधान, बूथ प्रभारी, बूथों के जो हमारे एक्टिव लोग हैं सब लोग आएंगे, और हम यहाँ से आप आएंगे पृथ्वी पर से लोग पृथ्वी आएंगे, बछौना से बजौरा होके वहां से एक अलग जत्था चलेगा, उनको मैंने बता दिया है, उसमें आशा ठाकुर हमारे जिला परिषद की मेंबर उसको लीड करते हुए आएगी, खोखर शमशी से मेरी धर्मपत्नी खुद और भुंतर के हमारे सारे लोग वो पूरे की पूरी टीम को लेकर आएंगे, मराठा से हमारी टीम उतरेगी, और 5 तरफ से पूरी के पूरे जत्थे हमारे लोअर बदा या पिंडी में मिलेंगे, जहां पे हम इस चुनाव प्रचार का समापन करेंगे, और रास्ते में हम संदेश देते जाएंगे कि कांग्रेस में जज्बा है, कांग्रेस में जुनून है, कांग्रेस एकजुट है, और पांचों जैसे 5 दरिया का पानी मिलता है, वैसे हमारी विधानसभा के 5 क्षेत्रों के लोग बीच में मिलेंगे, और वहां पे हम अगला वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि हम मिलकर वहां पे एक अगली रणनीति बनाएं, क्योंकि 10 बजे और वहां पे हम रणनीति बनाएंगे और हम इसको और धार देंगे, क्योंकि 27, 28, 29 को हमारा बूथ की लड़ाई है, उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जय हिंद, जय कांग्रेस।